हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साइनपुर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है पनीर चिल्ली, और आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर मैं आगे बताती हूँ। तो एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च ली हूँ, और एक मीडियम साइज का प्याज, दो हरी मिर्च है, और थोड़ी सी हरा धनिया, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और 1 छोटी चम्मच विनेगर है, और फिर 2 बड़े चम्मच केचप है, 1 अंडा है, और 2 बड़े चम्मच शेजवान चटनी है, 2 चम्मच जो है वो सोया सॉस है, और 2 भर के चम्मच जो है वो अरारोट पाउडर है। आपके पास कॉर्नफ्लावर हो वो डाल दें। और फिर 250 ग्राम जो है वो मैंने पनीर लिया है, उसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, एक बाउल में सारे पनीर को निकाल देंगे, और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर जो अरारोट पाउडर में ली हूँ, और 1/2 छोटी चम्मच जो है भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और फिर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे। और फिर इसमें डालना है थोड़ा सा भुना कूटा जीरा, और नमक स्वाद के अनुसार डालते हुए इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम तेज़ तेज़ हाथों से करेंगे तो फिर ये जो पनीर है वो हमारा भरता बन जाएगा। इसी तरीके से इसको मिक्स करते हुए अब जो है इसमें अंडा तोड़ के डालेंगे। मिक्स करने के बाद ही अंडा डालें, और अंडा डालने का जो प्रोसेस है वो अच्छे से कोटिंग करने का होता है। इस तरीके से आप अंडा डाल के इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मैं वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ। और इस तरीके से अगर आप करेंगे, उसके बाद एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से तेल। जब पैन जो है वो हीट हो जाए तब इसमें डालेंगे एक एक करके पनीर। आप देख सकते हैं जो हमारा मेरीनेट किया हुआ पनीर था वो मैंने 1 घंटे के लिए वैसे फ्रीज में छोड़ दिया था। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसी टाइम भी बना सकते हैं। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने रख दिया, और एक एक करके सारे पनीर को, हमारे एक ही पैन में सारा पनीर आ चुका था, इसलिए मैंने सारे पनीर को गोल्डन कलर तक पका लेंगे। इसको सही से इसको अलट पलट करते हुए पकाना है, ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इस तरीके से भी जो फ्राई किया हुआ पनीर है आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए यार, कमेंट तो कर दीजिए कैसा लगा आपको ये पनीर की रेसिपी। सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना, और क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और 1 लाइक तो बनता है यार। इसी तरीके से सारे पनीर को एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अब चलते हैं, फिर से वही पैन चढ़ाएंगे, और उसमें में 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक जो चॉप करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से सारा जो भी मैंने सामान बताए थे आपको वेजिटेबल, उस सबको इस तरीके से चॉप कर लेना है जिस तरीके से मैंने डाला है। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप डाल के थोड़ी देर 1/2 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे जो स्लाइस किया हुआ जो हमारा ऑनियन था वो इसमें डाल देंगे। मैंने एक मीडियम साइज की जो प्याज दी थी ना, उसको इस तरीके से जो हाफ जो बचते हैं ना उसमें मैं स्लाइस कट कर दी थी, और हाफ जो थे उसको मैंने क्यूब्स में उसका लेयर निकाल के क्यूब्स में कट कर ली थी। अब डालेंगे हरी मिर्च और फिर शिमला मिर्च, डालते हुए इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और फिर डालना है अनियन, डालते हुए सबको डाल के उसके बाद ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, 1 मिनट काफ़ी होगा इसको पकाते हुए। और देखिए इसमें जो क्रंचीपन है ना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से पकाते हुए अब मैं ऐड करूँगी इसमें सोया सॉस। आप देख सकते हैं मैंने सोया सॉस ऐड किया है, और फिर इसमें डालूँगी भर के 2 चम्मच शेजवान चटनी, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और डालेंगे विनेगर, और फिर डालेंगे केचप डालते हुए, और फिर इसको भी मिक्स कर लेना है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फिर इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच से डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे सॉस में भी ऑलरेडी नमक होता है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे जो हमारा फ्राई किया हुआ पनीर था, इसमें डाल के उसके बाद फ्लेम को करेंगे हाई, और हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। इसी तरीके से पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको 1 मिनट तक चलाना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी सॉस वगैरह पके हुए रहते हैं। और फिर इसको अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो इसमें थोड़ा सा अरारोट को घोल के उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी डालकर।
अब हमें तो ग्रेवी वाला नहीं चाहिए क्योंकि हमें इस तरीके से खाना है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।